95% डिस्काउंट पे मैंने पहले ही वीडियो बना लिया था। इस वीडियो में सीक्रेट ट्रिक डाला था जिसमें 21,000 व्यू आए। वैसे तो मैंने बहुत कूपन लाए हैं, बहुत सारे वीडियो को भी बनाए हैं, इस वीडियो में कुछ अलग बताऊं। अब मैं आपको यहाँ पर 2-3 जीमेल दिखाऊंगा। यहाँ ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा डी से स्पेलिंग स्टार्ट इस जीमेल का। डी से मतलब कि कुछ भी डी से नाम होगा तभी जाके डी से स्पेलिंग है। तो पहले मैं इसका नोटिफिकेशन पे क्लिक करके दिखाता हूँ इस पर 95% डिस्काउंट का कूपन आया हुआ या फिर नहीं। उसके बाद किसी और जीमेल पे भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो इस जीमेल पे भी 95% का डिस्काउंट कूपन आया हुआ है। इसका एक्सपायरी डेट भी बताऊंगा कि ये कब एक्सपायर होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते 95% डिस्काउंट है और इसका एक्सपायरी डेट देखोगे तो ये 23 तारीख को एक्सपायर होगा। याद रखना 23 को ये एक्सपायर होगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई और जीमेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जीमेल पे सिंपली क्लिक करके मैं जिस जीमेल पे 95 का आया मैं उस पर मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये आर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी नोटिफिकेशन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर आया है कि नहीं। तो दोस्तों इस पर भी देख सकते हो कि 95% का डिस्काउंट कूपन आया हुआ है। इसका भी मैं एक्सपायरी आपको देखने को अभी मैं दिखाता हूँ कि कब ये एक्सपायर होगा। जैसे कि वो 23 को एक्सपायर होगा तो ये 16 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सपायरी डेट भी अलग है। तो यहाँ पर मैं सिंपली बोलूँगा कि भैया मैं गूगल का तो सगा हो नहीं जो मुझे डिस्काउंट कूपन देंगे और आपको डिस्काउंट कूपन नहीं देंगे। कंडीशन में बता देता हूँ कैसे आपको ये डिस्काउंट कूपन मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ऐसा जीमेल आईडी रखना है जो बिल्कुल ही फ्रेश हो, जिसका आप कहीं भी इस्तेमाल पेमेंट करने में नहीं किए। पेमेंट करने का मतलब है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में आपने उससे पेमेंट कभी भी नहीं किए। ठीक है, तो वो फ्रेश जीमेल होनी चाहिए। अगर फ्रेश जीमेल नहीं है तो उस जीमेल पर आपको डिस्काउंट कूपन जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं इस जीमेल से ज़्यादा पेमेंट करता हूँ तो इस जीमेल पर मैं चल के दिखाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो कि पहली बार इस जीमेल पर मेरे 200 रुपये यहाँ पर क्रेडिट हुए डिस्काउंट कूपन। ठीक है, जिसको मैं किसी भी ऐप के अंदर में 1,000 का परचेज करूँगा तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी डिस्काउंटेड वो वाला डिस्काउंट नहीं आया है जिस डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो डिस्काउंटेड आपको चाहिए तो बिल्कुल ही फ्रेश जीमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उस जीमेल से पेमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपको क्या करना है, उस जीमेल को आपको लॉगिन करके रखना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कैसे करोगे, तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद होम पे चले जाओ। होम पे जाने के बाद में ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपको जीमेल आईडी। तो जैसे कि मुझे देख सकते हो यहाँ पर जीमेल आईडी देखने को मिल रही होगी, तो मैं इस जीमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो उसके बाद में मुझे इस जीमेल पे फिर से क्लिक करने की ज़रूरत है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सारे जीमेल यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। फिर मैं स्क्रॉल करके यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा। इसे ऊपर ले जाऊँगा तो नीचे में साइन आउट करके एक ऑप्शन आता है, मैं उस पर सिंपली क्लिक करूँगा और कंटिन्यू का ऑप्शन पर मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही साइन आउट कर दूंगा तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप जो जीमेल आईडी को यहाँ पर लॉगिन करोगे उस जीमेल आईडी पे डिस्काउंट कूपन आपका आने के चांसेस बढ़ जाएगी, अगर कंडीशन सारे ओके हैं तो। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर चूज़ अनदर अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लिया। अब देखो जिस पर मुझे डिस्काउंट कूपन मंगाना है मैं उसे सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं इस जीमेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इस जीमेल को, तो जैसे मैं इस जीमेल को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद मैं यस आई एम इन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कीप माय सेपरेट डेटा पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अब हम लोग क्या होंगे कि यहाँ पर सेटअप प्रोग्रेस में हो जाएगा। सेटअप जैसे ही यहाँ पर प्रोग्रेस में हो रहा है तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे ही ऑन हो गया है तो अब हम लोग उस जीमेल से साइन इन हो चुके हैं क्रोम के अंदर में। उसके बाद में हम लोग कुछ भी यहाँ पर चलाते हैं, कुछ भी क्रोम ब्राउज़र चलाते हैं तो हम लोग क्या होता है कि हमारा जीमेल आईडी इफेक्टेड होता है। उसी तरह से उस जीमेल आईडी को क्या करना है कि अपने डिफरेंट ऐप के अंदर में लॉगिन करके रखना है। जैसे कि मेरे पास ये YT स्टूडियो है तो भले मैं उससे वीडियो बनाता हूँ या ना बनाता हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। और सारे एप्लीकेशन है यूट्यूब पे मैं उससे लॉगिन करके मैं वीडियो देखता हूँ। किसी भी गेम के अंदर में मैं उस जीमेल को लॉगिन कर लेता हूँ या फिर किसी भी साइट के अंदर में उस जीमेल को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उससे क्या होता है कि गूगल वाले को पता चलता है कि इस जीमेल आईडी यूज़ तो हो रही है बट उसे पेमेंट नहीं हो रहा। तो पेमेंट नहीं हो रहा तो उससे पेमेंट दिलाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि हमें डिस्काउंट कूपन वो देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग का डिस्काउंट कूपन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि 20 का डिस्काउंट कूपन एक और जीमेल पर आया। ये जीमेल आईडी बहुत अधिक मेरा हर जगह पे इस्तेमाल होता है, पेमेंट नहीं होता है। कि बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेमेंट नहीं होता है, बस जीमेल यूज़ होता है। तो सिंपली आपको ऐसे जीमेल को बना कर रखना है और बस डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको इस्तेमाल करते रहना है
उससे क्या होता है कि आपको डिस्काउंट कूपन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जीमेल आईडी एकदम फ्रेश जो आज के आज बनाओगे तो उस पर डिस्काउंट कूपन नहीं आएगा, तो मैं झूठी बातें आपको नहीं बताऊँगा, जो सही बात है वही बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे जीमेल आईडी है जो आजकल आ रहे हैं उस पर भी डिस्काउंट कूपन, जिससे पेमेंट होते हैं, तो मैं यहाँ पर उस जीमेल आईडी को भी दिखा देता हूँ कि जिसके बजट तो बहुत हैवी है और उस पर भी डिस्काउंट कूपन देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर चांस होते हैं कि न्यू जीमेल आईडी पर डिस्काउंट कूपन मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करना है, सिंपली अगर सही में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं इस तरीके से दूसरी और वीडियो को बना सकूं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही तो ज़रूर कमेंट करें। तो देखिए, बाय बाय, ठीक है।